जब भी आप पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि क्या करना है। आप कहते हैं डाक भेजनी है। डाक दो तीन तरीके से भेजी जाती है। आप साधारण डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पीड पोस्ट करने के 8 फायदे कौन कौन से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जुड़े सभी प्रकार के वीडियो आपको इस एकमात्र चैनल पर मिल जाते हैं। तो स्पीड पोस्ट के बेनिफिट की सबसे पहले बात करें तो स्पीड पोस्ट करवाने जब भी आप काउंटर पे जाते हैं तो वहां पर आपका प्रॉपर एड्रेस यहां पर चेक किया जाता है। जो काउंटर पे आदमी होता है वो उसकी पैकिंग चेक करता है, प्रॉपर जो भेजने वाला है और आगे जो प्राप्त करने वाला है उसका एड्रेस, यदि कुछ भी गड़बड़ है तो वो आपको काउंटर पर ही बता देता है, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा फायदा है कि आपको यहाँ पर रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट के अंदर आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाते हैं। ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है कि फिर आप ऑनलाइन जो है इसको कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्पीड पोस्ट लिफाफा या पार्सल कहाँ पहुंचा है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के किसी काउंटर पर जाकर भी इसको ट्रैक करवा सकते हैं। जबकि साधारण डाक के अंदर आपको कोई रसीद नहीं मिलती है, ना ही आपको कोई ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि आपकी डाक पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसके अलावा यहाँ पर डिलीवरी 100% होती है, मीन्स आप जो लिफाफा भेजते हैं वो 100% या तो आगे वाले व्यक्ति को मिलेगा जिसको आपने भेजा है उसको मिलेगा। यदि वहां से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है या अगला वाला मना कर देता है, तो उस कंडीशन में स्पीड पोस्ट रिटर्न होकर वापस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर लिफाफा गुम होने का चांसेस नहीं रहता है। अगला फायदा है फास्ट डिलीवरी। जब भी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई डाक कब तक पहुंचेगी, तो यदि आप स्पीड पोस्ट करवाते हैं तो यहाँ पर 2 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आपकी डाक ऑल इंडिया के अंदर डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि ये बाय एयर भेजी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो आप अपने मोबाइल नंबर और आगे वाले के जो मोबाइल नंबर देते हैं तो आपको डिलीवरी का स्टेटस और आर्टिकल का स्टेटस SMS के माध्यम से पता चल जाता है। आपके पास में SMS आता रहता है कि वो डाक कहाँ पहुंची है, कब डिलीवर हुई है और किस कारण से डिलीवर्ड नहीं हुई है। तो सब कुछ आपको अपने SMS के माध्यम से यहाँ पर पता चल जाता है। स्पीड पोस्ट जो है मिनिमम आप 41 रुपीज से करवा सकते हैं। यदि आप इंश्योरेंस करवा देते हैं तो उस कंडीशन में जितने रुपए का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका आपको कंपनसेशन मिल जाता है यदि वो आर्टिकल लॉस्ट हो जाता है। सपोज करिए यदि आपने कोई स्पीड पोस्ट करवाई जिसमें आपने 5,000 का सामान भेजा था, आपने 5,000 का इंश्योरेंस करवाया है और वो आर्टिकल लॉस्ट हो जाता है, रास्ते में कोई फाड़ देता है या किसी कारण से उसमें सामान जो है खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस के अंदर 5,000 रुपए का पैसा यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यदि आपका आर्टिकल डिलीवर होता है या किसी प्रकार से डिले हो जाता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं, जबकि साधारण डाक के अंदर आप किसी प्रकार की शिकायत यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पोस्टल दोस्त ऐप को डाउनलोड कर लें जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।